दोस्तों, आप सैमसंग कंपनी का मोबाइल चलाते हैं और आप चाहते हैं कि मोबाइल को रीसेट करना यानी हार्ड रीसेट करना, तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता है कि वो कैसे हार्ड रीसेट होता है, ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ रहता है। ये सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, सेटिंग को अपना ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। दो तरीका से रीसेट का ऑप्शन खोज के हम आपको दिखाएंगे। पहला तरीका, बिना सर्च किए हुए खोजते हैं, तो सेटिंग जैसे ओपन कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल आप कीजिएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको यहाँ पर देख लेना है जैसे जनरल मैनेजमेंट, देख सकते हैं ध्यान से जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं रीसेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ चार ऑप्शन खुल गया। ये तो पहला तरीका हो गया रीसेट का ऑप्शन खोजने का। चलिए हम आपको दूसरा तरीका से हैं दिखाते हैं। तो बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद यहाँ देख सकते हैं साइड कॉर्नर में, साइड कॉर्नर में सर्च का ऑप्शन है, सर्च का लोगो दिया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रीसेट लिखना है, RESET। जैसे रीसेट लिखिएगा यहाँ देख सकते हैं रीसेट का ऑप्शन आ गया, देख सकते हैं दोस्तों वही रीसेट का ऑप्शन। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आपको फुल रीसेट करना है या सिर्फ हाफ रीसेट करना है। तो चलिए ये चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको कुछ बता दें। तो रीसेट ऑल सेटिंग, आप ऊपर यहाँ पे अगर क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ जितना सेटिंग का ऑप्शन होगा वो रीसेट हो जाएगा। कंपनी में जिस तरह दिया हुआ रहता है, जैसे फोन आप नया खरीदते हैं उस तरह का सेटिंग जो रहता है उस तरह का सेटिंग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, तो इसको अगर रीसेट कीजिएगा तो सिर्फ आपका जो नेटवर्क से सेटिंग होगा वो रीसेट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है रीसेट एसबिलिटी सेटिंग, तो रीसेट एसबिलिटी सेटिंग पर आप क्लिक कर कीजिएगा तो ये एसबिलिटी से जो भी सेटिंग दिया हुआ रहता है वो रीसेट हो जाएगा। और फैक्ट्री डाटा रीसेट, ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर इस पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा आपका फोन ही फॉर्मेट हो जाएगा। जिस तरह आपको फोन खरीदते समय कुछ भी नहीं रहता है मोबाइल में, उस तरह हो जाएगा। तो चलिए हम हार्ड रीसेट यानी फुल रीसेट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह किया जाता है। तो फैक्ट्री डाटा रीसेट पर आप क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ देख सकते हैं जितना आपको ईमेल आईडी, जितना कुछ आपके लॉगिन हो जाएगा ये सब रीसेट हो जाएगा। देख सकते हैं जितना भी डाटा आपका रहेगा सब डिलीट हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको ये काम करना है, जितना भी डाटा है आपका इम्पोर्टेंट डाटा सबको बैकअप ले लेना है। बैकअप लेने के बाद फैक्ट्री डाटा रीसेट कीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो रीसेट पर इतना बैकअप लेने के बाद दोस्तों यहाँ रीसेट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आप पैटर्न स्क्रीन लॉक लगाए होंगे उसको यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा। तो चलिए इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम जैसे वेरीफाई किए, अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप डिलीट ऑल करना चाहते हैं। अगर एसडी कार्ड में आप इसको बैकअप लेना चाहते हैं तो पहले बैकअप ले लीजिए, नहीं तो आपका फोन में जितना कुछ होगा वो सब डिलीट होगा, यही यहाँ लिख कर बता रहा है। तो हम सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं ताकि हम पहले ही मेरा डाटा जितना है सब बैकअप ले लिए हैं, तो डिलीट ऑल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है टर्न ऑन मोबाइल डाटा, ताकि जब तक आप मोबाइल में डाटा को ऑन नहीं कीजिएगा ये रीसेट होने नहीं देगा, ताकि ये नेटवर्क से वेरीफाई करेगा उसके बाद आपका फोन रीसेट होगा। तो चलिए हम अपना डाटा को ऑन कर लेते हैं, देख सकते हैं डाटा ऑन कर लिए। उसके बाद यहाँ टर्न ऑन पर हम दबा देते हैं, पहले हम डाटा ऑन कर लिए। उसके बाद फिर से हम डिलीट ऑल पर क्लिक करेंगे, जैसे करेंगे यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास जो ये जीमेल है उसका पासवर्ड यहाँ टाइप करना होगा तभी ये रीसेट कर सकता है मोबाइल, नहीं तो ये रीसेट नहीं होगा। यहाँ रीडायरेक्ट कहाँ कर दिया, सैमसंग पास में रीडायरेक्ट कर दिया कि अगर सैमसंग पास में अगर इसका पासवर्ड आप रखे होंगे तो वेरीफाई करके इसको रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं।
देख सकते हैं जैसे वेरीफाई हो गया, ताकि हम सैमसंग पास में इसको वेरीफाई किए थे, उसमें हम डाटा जितना था उसमें रिकवर बैकअप पहले ही ले लिए थे, उसके बाद ये डायरेक्ट वेरीफाई करके रिसेट हो गया, स्विच ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये ऑन होगा, ऑन होने में लगभग दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट लग सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात कहना हम आपको भुला गए कि जब फुल रिसेट कीजिएगा तो 50% से ऊपर आपका बैटरी चार्ज होना चाहिए। अगर 50% से डाउन हो जाता है आपका बैटरी, उस वक्त में आप रिसेट कर सकते हैं, तो हो सकता है आपका मोबाइल डीड भी हो जाए। एक बैग जो पूरा बैटरी अगर खर्च हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 50% से ज़्यादा आपका बैटरी चार्ज हो, तभी फुल रिसेट कीजिएगा। तो चलिए ये 10-15 मिनट लगेगा, हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमको ज़्यादा टाइम यहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं हुआ, करीब 2 से 3 मिनट टाइम लगा और ये वेलकम आ गया। इस तरह हो सकता है आपके फ़ोन अगर पुराना वर्जन का होगा तो 5 मिनट भी लग सकता है, अगर नया वर्जन का होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे 2 से 3 मिनट में फुल रिसेट हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इस तरह का लोगो आपके मोबाइल में आता है तो इसको आपको सेटअप करना होगा। अगर सेटअप करना नहीं जानते हैं तो वीडियो आप गौर से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं कीजिएगा, हम आपको लाइव सेटअप करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आपको इंग्लिश लिखा हुआ इंडिया है, ये लैंग्वेज सेलेक्ट, अगर अदर लैंग्वेज होगा तो यहाँ अगर इंग्लिश इंडिया करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर दीजिए, हिंदी में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा जैसे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ आपसे कुछ एग्री करवाएगा, देख सकते हैं कुछ एग्री करवाएगा। तो सबसे नीचे यहाँ देखिएगा एग्री टू ऑल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा जैसे ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, टोटल जितना टिक लगा हुआ रहेगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं साइड कॉर्नर में एग्री का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ये कुछ देर प्रोसेस लेगा और आगे बढ़ जाएगा। चलिए कुछ देर हम इंतजार कर लेते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर आपके मोबाइल में अगर सिम नहीं होगा तो यहाँ आपको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, अगर सिम होगा तो डायरेक्ट यहाँ स्किप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल सा इस पर स्किप पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे गेटिंग योर फोन रेडी दिस मे टेक ए फ्यू मिनट, ये आपसे कह रहा है कि कुछ देर आप यहाँ इंतजार कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए कुछ देर हम इंतजार करते हैं, उसके बाद आगे ये बढ़ जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं करीब यहाँ हमको 2 मिनट का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस आगे बढ़ा। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पहले वाला डाटा को आप कॉपी करना चाहते हैं या उसको कॉपी नहीं करना चाहते। अगर पहले वाला डाटा को आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ नेक्स्ट पर कीजिएगा। अगर नया आप फीचर सब लाना चाहते हैं, जिस तरह नया में हम फोन खरीदते हैं उस तरह, तो यहाँ डू नॉट कॉपी पर आप कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मेरा पहले वाला डाटा आ जाए तो नेक्स्ट पर कीजिएगा। तो हम तो पहले वाला डाटा को बैकअप ले लिए, इसलिए उसको कॉपी नहीं करना चाहते हैं, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस पर डू नॉट कॉपी पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ चेक इन इंफॉर्मेशन करेगा और उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी आपको कुछ टाइम इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए हम कुछ देर यहाँ इंतजार करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों करीब 10 से 15 सेकंड हम इंतजार करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ आप अगर आपके पास ईमेल पहले से याद होगा तो यहाँ दाबकर लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट स्किप का ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा यहाँ स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम बाद में अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डालेंगे, उससे पहले हम इसको स्किप कर देते हैं और फिर यहाँ गो बैक का ऑप्शन है और स्किप का ऑप्शन है, तो स्किप पर हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछेगा आपका टाइम जोन, तो यहाँ ऑटोमेटिक टाइम जोन ले लिया है इंडिया का, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर इसको मोर पर हम क्लिक करेंगे, फिर एक बार और मोर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट दबाएंगे। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आप पैटर्न या फेस लॉक या फिंगर लॉक लगाना चाहते हैं तो अभी भी लगा सकते हैं, या अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए हम स्किप कर देते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ आपसे
पूछेगा कि आप जितना कुछ है फ्लो करना चाहते हैं तो फ्लो करना चाहते हैं तो फ्लो इस पर टिक रहने दीजिए, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं। चलिए हम अभी फिलहाल में इस सब को हटा देते हैं और ओके कर देते हैं। ये कुछ देर यहाँ भी इंतजार हम कर लेते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद डायरेक्ट मेरा होम पेज पर रिडायरेक्ट हो गया। इस तरह बहुत आसानी से सैमसंग का कोई भी मॉडल फोन हो, कोई भी फोन हो, उसको हार्ड रिसेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।